कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं और इसी बीच क्या आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया या फिर व्हाट्सएप आया है जिसमें आपको ये जानकारी मिली हो कि देश में कोरोना की वजह से एक बार फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की अफवाहें सोशल मीडिया में जोरों पर है और इन अफवाहों में कहा जा रहा है कि फिर 15 जून से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिसके बाद लोग पहले की तरह घरों में राशन का स्टॉक जमा कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली और तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। तो लगातार ऐसी अफवाहें सामने आ रही थी क्योंकि देखा जाए तो देश में 3 लाख के पार मामले पहुंच चुके हैं और ऐसे में संख्या में जो इजाफा हो रहा है उसके चलते ये अफवाहें फिलहाल ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर देखा जाए तो फॉरवर्ड की जा रही हैं कि 15 जून से एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। ये है तो सही मोबाइल में, हाँ ये मोबाइल में है जी। नई दिल्ली सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 15 जून से देश भर में फिर से लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा जी। दावा किया जा रहा है कि यह गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के संकेत दिए हैं जी। ये हाँ जानकारी है कि अफवाह, कैसे पता लगा आपको? ये सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा मुझे, मेरे मोबाइल पे SMS आया था व्हाट्सएप के थ्रू जी, आया था मैसेज, इसके थ्रू लगा पता कि हाँ कि 15 तारीख से वो लग सकता है जी लॉकडाउन। कितने दिनों से ये हो गया? तीन चार दिन से लग रहा है। पर सुना है 15 तारीख को लॉकडाउन लगने वाला है, कहाँ सुना है? मीडिया पे वैसे सुना है, वैसे सुना है, सुनने में यार लोगों से 15 तारीख के लॉकडाउन के सुनने हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम तो गरीब आदमी सब बिक जाएंगे, पहले ही मरे हुए हैं, खाने खर्चे को परेशान है। सुना था है, कहाँ से सुना है? यही बाजार में से सुना। अच्छा, लोग बताते हैं लेबर मंडी में हम लोगों को कि हाँ शायद लगने वाला है 15 तारीख से। सुनने में आ रहा है कि 15 जून से फिर से लॉकडाउन लगने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये सब फॉरवर्डेड मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, काफ़ी लोग आते हैं दुकान पे, वो भी बताते हैं कि न्यूज़ आई थी मोबाइल में, यूसी ब्राउज़र पे, उसी ब्राउज़र में न्यूज़ आई थी कि 15 तारीख से फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। कहाँ से सुना ये? कहाँ से ये बात आई? मोबाइल में आई थी न्यूज़ में, यूसी ब्राउज़र में। ये सुनने में तो यही आ रहा है कि लगने की संभावना है हर जगह से, कोई कह रहा है कि 15 तारीख से लगेगा, कोई कह रहा है कि अगस्त से लगेगा, सुनने में तो यही मिल रहा है। हाँ बढ़ सकता। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। और लोग खुद इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उन्हें व्हाट्सएप में, मैसेजेस में, सोशल मीडिया में, हर जगह उन्हें इस तरह की खबरें मिल रही हैं, ऐसी अफवाहें मिल रही हैं कि 15 जून के बाद एक बार फिर से काफ़ी दिनों का, तकरीबन ऐसा 40 दिनों का जो लॉकडाउन है वो हो सकता है। और ऐसे में लोगों ने अपने घरों में राशन का जो सामान है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, या फिर अगर वो अपने घर जाना चाहते हैं, प्रदेश जाना चाहते हैं, तो ऐसे में पलायन करने की शुरुआत भी कर दी गई है। तो ये अफवाहें फिलहाल जो लोगों को फिलहाल सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि वो आगे करें तो क्या करें। ऐसे में हम आपको यही कहेंगे कि बिल्कुल भी आप अफवाहों पर ध्यान न दें, आप जहां हैं वहीं रहें। तो खबरें फर्जी सामने निकल कर आ रही हैं और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कई संवाददाता यहाँ पर मौजूद हैं। संदीप खेर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं, साथी गिरीश नारायण नोएडा से हैं, तो शिव चौहान आगरा से हैं और शुभम दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से हैं, तो अमित गोयल हमारे साथ झांसी से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो उनका रुख करते हैं, सबसे पहले संदीप आपके पास आना चाहेंगे, लखनऊ में भी क्या इस तरह की अफवाहें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं और क्या लोग इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिएक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं?
तो चलिए संदीप शायद अब तक हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, शिव चौहान का रुख कर लेते हैं, आगरा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शिव, वहां पर किस तरह की अफवाहें हैं, लोग किस तरह से यहां पर रिएक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल रितु, आगरा की अगर बात करें तो आगरा में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगातार कई दिनों से ये अफवाह जारी थी कि 15 जून से पूरी संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक वन की शुरुआत हुई और प्रशासन ने सभी बाजार खोल दिए गए, गाइडलाइन जारी की। लेकिन लोगों में ये चर्चा का विषय थी कि 15 तारीख से लॉकडाउन लगेगा और इसी को लेकर लोगों ने सामान जो राशन है वो भरना शुरू कर दिया, उपयोगी सामान था वो भरना शुरू कर दिया। लेकिन देर रात आगरा प्रशासन ने इस पूरी जो चर्चा है उसका खंडन करते हुए साफ तौर से कहा कि कोई भी आगरा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि जिस तरह से कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर सख्ती जरूर बरती जाएगी, लेकिन लॉकडाउन जैसी कोई भी बात यहां नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगेगा। लोगों में चर्चा का विषय कई दिनों से लगी हुई है, लोगों का साफ तौर से कहना है, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली थी कि 15 तारीख से यहां लॉकडाउन लग रहा है और गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है, लेकिन प्रशासन ने इसका पूर्ण रूप से खंडन कर दिया है। जी ऋतु जी, शिव आप बने रहिएगा, अमित गोयल का रुख कर लेते हैं, झांसी से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, वहां पर किस तरह का असर इन अफवाहों के बाजार के चलते? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये मैसेज वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों में पैनिक है और लोग डरे हुए हैं कि अगर मान लीजिए एक तरह से एक और लॉकडाउन लगता है तो कहीं ना कहीं उनको व्यापार में दिक्कत आएगी, उनको नौकरी में दिक्कत आएगी, तो लोग डरे हुए हैं। फिलहाल जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये जो वायरल हुआ है मैसेज, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। झांसी प्रशासन ने इसको लेकर कई आदेश भी जारी किए हैं और लोगों में पैनिक जो क्रिएट हो रहा है उसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। तो लोग डरे हुए हैं, लोग जो है घर अपने घरों में राशन रख रहे हैं और जो लोग नौकरी पे जाने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं जो डरे हुए हैं कि जो अगर मान लीजिए लॉकडाउन लगता है, जो इतने लॉकडाउन रहा जिस तरह से लोगों ने परेशानी झेली, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है और लोग डर रहे हैं उस चीज को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो बजार में पैनिक जरूर इसको लेकर देखा जा रहा है। जी चलिए अमित आप बने रहेगा, संदीप खीर का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो संदीप, वहां पर भी असर क्या, जो स्थिति हमने काफी महीनों पहले देखी थी कि बस स्टेशनों पर लोग सड़कों पर जाते हुए दिख रहे थे, पलायन करते हुए दिख रहे थे कि अब देश में लॉकडाउन हो गया है तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, क्या ऐसे हालात एक बार फिर से वहां पर भी बनते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल रितु, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि जो एक मैसेज है जो सोशल मीडिया पर और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें गृह मंत्रालय के फैसले की तरफ से कहा जा रहा है कि 15 जून या 17 जून से एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा, जिसको लेकर कह सकते हैं कि यहाँ पर की जो स्थिति है वो जाहिर सी बात है कि एक संदेह वाली है कि जहाँ तमाम लोग कह रहे हैं वहीं तमाम लोग राशन भरने लग गए हैं, वहीं तमाम लोगों का कहना यह है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन हो सकता है, जिसको लेके देखिए लोगों में संशय भी बना हुआ है। जिस तरह से कल भी मेरी लोगों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको पता है, तो साफ तौर पे सभी का ये कहना था कि हाँ फिर से एक बार लॉकडाउन होने वाला है। उसमें अगर हम बात करते हैं रिक्शे वालों की बात करते हैं, या हम बात करते हैं चाय वालों की, या हम बात करते हैं पढ़े लिखे लोगों की, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोगों का कहना यह है कि 15 जून और 17 जून के बीच में एक बार फिर से लॉकडाउन होगा। हालांकि जब इस पर उनकी तैयारियों की बात करी गई तो उनका साफ तौर पर कहना यह था कि पिछली बार तो हमको पता नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला है, तो काफी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी, घर में राशन नहीं था, तमाम तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन अब जब से हमने सुना है हम अपने घर में राशन को भर ले रहे हैं, सब्जियों को भर ले रहे हैं, तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, हालांकि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछली बार सरकार ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था कि लॉकडाउन होने वाला है, अब की बार सरकार की तरफ से उनको पहले से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिससे वो अपने घर में जरूरत की सभी चीजों को भर ले, लेकिन जिस तरह से देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है तैयार नहीं, और जिस तरह से सोशल मीडिया में अफवाहें फैल रही हैं, फर्जी खबरें सामने आ रही हैं, उनकी चपेट में आ रहे हैं, और नतीजा ये कि पलायन करने को मजबूर रहते हैं। हमारे साथ नोएडा से हमारे सहयोगी गिरीश नारायण भी इस दौरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो गिरीश, कल रात की स्थिति कुछ और वहां पर देखने को मिली, लोग घरों से बाहर निकल गए अपने सामानों के साथ, अपने परिवारों के साथ, और प्राइवेट बसें, यानी कि उन्हें कोई भी साधन मिला, बस वो अपने घर जाने को निकल गए, रोक लिया गया पुलिस के जरिए, लेकिन क्या वहां पर अभी भी कुछ लोगों की भीड़ देखी जा सकती है? क्या पुलिस के जरिए वहां पर व्यवस्था कराई गई कि रोडवेज के जरिए अब इन लोगों को भेजा जाए? जी मैं आपको बता दूं कि ये सभी लोग अधिकतर दिल्ली के थे, ये दिल्ली से आ रहे थे प्राइवेट बसों के जरिए, क्योंकि दिल्ली में लगातार मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं डर था, साथ ही जो अफवाह फैली हुई है उसको लेकर ये लोग परेशान थे,
जैसे ही नोएडा में यहाँ पे एंट्री की गई तो नोएडा पुलिस द्वारा बसों को सीज कर दिया गया क्योंकि जो वैध परमिट नहीं था। देर रात रोडवेज की कुछ बसें आई है उनके द्वारा इन लोगों को अलग अलग जगह भेजा गया है। कुछ लोग ज्यादा दूरी के थे, कहीं दूर उनको जाना था, जैसे बिहार के थे, अलग अलग राज्यों के थे, तो उनको फिलहाल बारात घर में ही रोका गया है। उनके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है सरकारी तौर पर। चलिए धन्यवाद आपका गिरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शिव आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि हम आगरा में भी देख रहे हैं कि 1000 से पार मामले यहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर भी खतरा जैसा कि दिल्ली में है धीरे धीरे करके आगरा में भी अब देखने को मिल रहा है। तो क्या वहां पर बस स्टेशनों पर अगर बात करें या फिर प्राइवेट गाड़ियों से अगर बात करें तो क्या लोग जाना शुरू कर रहे हैं? कल रात की स्थिति कुछ और थी, क्या अभी भी ऐसा ही कुछ नजारा वहां पर? उस पर प्रशासन ने खंडन कर दिया कि ऐसा आगरा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लोग एक जिले से दूसरे जिलों में जो रुके हुए थे इस अफवाह के बाद वो जाने जरूर लगे थे कि वो जाने लगे और लगातार लोगों में यही सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाह उड़ी थी कि 15 तारीख से लॉकडाउन लगेगा और लोग विचलित थे। उन्होंने सामान खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि पहले लॉकडाउन जब लगा था तो लोग सामान खरीद नहीं पाए थे और लॉकडाउन का जो वक्त था वो काफी परेशानियों से गुजरा था। और इस बार लोग जो थे जो एक जिले से दूसरे जिलों में फंसे हुए थे तमाम 2.5 से 3 महीने वो फंसे रहे, उसके बाद जब उन्हें जानकारी मिली कि 15 तारीख से लॉकडाउन लगाए तो वो जाना शुरू हो गए। लेकिन एक रात को देर रात आगरा प्रशासन की तरफ से ये मैसेज पास हुआ कि आगरा में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ना ही कोई लॉकडाउन लगाया जाएगा, तब लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। लेकिन अफरा तफरी का माहौल जरूर आगरा में देखा गया था कि 15 तारीख से लॉकडाउन लग रहा है तो लोग जो पहले चूक कर चुके थे सामान न खरीदने की, राशन का सामान नहीं खरीद पाए थे, वो जरूर लोग राशन का सामान खरीदते दिखाई दिए। बिल्कुल शिव बने रहेगा, संदीप आपका रुख करेंगे। अब आगे ऐसी स्थिति ना बने इसको लेकर क्या तैयारियां वहां पर? बिल्कुल देखिए आपको बता दें ऋतु, जिस तरह से कह सकते हैं कि जो अफवाहों का सिलसिला है वो लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का ना ही कोई इंडिकेशन है ना ही हम बात करते हैं अगर गृह मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि देखिए जिस तरह से सिर्फ कह सकते हैं कि एक मैसेज से या एक स्क्रीनशॉट की वजह से इस पूरे भ्रम को फैलाया जा रहा है, वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर अन्य व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो इसको लेकर जाहिर सी बात है कि लोगों में जो एक असमंजस की स्थिति है क्योंकि किसी भी तरह की कह सकते हैं आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिसके कारण एक बार जब पहले लॉकडाउन हुआ था तो जाहिर सी बात है उनको अपने सामने काफी दिक्कत महसूस हुई थी, जिसको लेके लोग अभी से कुछ ना कुछ तैयारियां करने लग गए। और तैयारियों में जो साफ तौर पे देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है घर के राशन को लेकर। उन सभी का कहना यह है कि पिछली बार हमें तमाम तरह की दिक्कत हुई कि लेकिन इस बार कह सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज की तरफ से कि जिस अब की बार उनको ऐसा लग रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि रोडों पर अगर हम बात करते हैं सब्जी मंडी पर तो वहां पर जाहिर सी बात है कि एक भीड़ देखी जा रही है जो सब्जी अपने घर पे भर लेना चाहती है कि उसको पता नहीं कैसे उस स्थिति पर नियंत्रण पाया जाए, कैसे जो सोशल मीडिया में खबरें फैल रही है, जो अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।